सो दोस्तों हाजिर हाँ सुकरात अते ट्रोबोलस विच होए मुकाबले दा वर्णन लेके। ट्रोबोलस एथनस दा बड़ा खूबसूरत इंसान सी, जिसकी खूबसूरती दी सारे शहर विच चर्चा सी। वो ज्ञान अते साहित दा भी बड़ा रसिया सी, अते फलसफे दा भी विद्यार्थी सी। कुदरत दी सुंदरता उसका मनभाउंदा विशा सी, जिस बारे उसकी सुकरात नाल हर रोज़ बहस चलती रहिंदी सी। वो हर वेले कोशिश करता रहिंदा सी कि कोई ऐसा विशा मिले जिस विच सुकरात नूं लाजवाब किया जा सके। एक दिन शरारत नाल वो एक अजिहा विशा लेके आया जिहड़ा किसी लिहाज नाल भी सुकरात लई बहस दे काबल नहीं सी हो सकता, पर ट्रोबोलस का मकसद सुकरात नाल मजाक करना सी तां कि वो सुकरात नूं लाजवाब कर सके। उसने अपने दोस्तों की हाजिरी विच सुकरात नूं कहा, जे तू अपने दलीलबाजी नाल यह साबित कर देवें कि तू मेरे तो ज़्यादा खूबसूरत है, तो फिर मैं तेरे ज्ञान का ना सिर्फ प्रशंसक हो जावांगा सगों कुछ नकद इनाम भी देवांगा। इस किस्म का मौका तो सुकरात नूं रब देवे। इसलिए सुकरात झटपट तैयार हो गया और इस मुकाबले का जज उन्होंने जीनोफन नूं बनाया। जीनोफन भी इस मुकाबले का जज बन के बड़ा खुश होया। इस शरारती जज ने पहला फिकरा ही ये कहा कि दीवे की लो जरा होर बधाओ ता कि सुकरात के नैन नक्श उगड़ के नज़र आ सकन। दीवा सुकरात के नेड़े कर दिता गया अते इंज मुकाबला शुरू हो गया। सुकरात ने उसनों पुछया कि तेरे ख्याल विच खूबसूरती इंसानों विच ही पाई जाती है जा किसी होर चीज़ भी? ट्रोबोलस ने जवाब दिता, मेरे ख्याल विच इंसानों तो बिना घोड़िया बलदा अते दूजियां जानवरां अते पंछियां विच भी पाई जाती है। इत्थों तक कि कई बेजान चीज़ां विच भी मिलती है, जिमें कि ढालां नेजे तलवारां वगैरह विच। सुकरात ने पुछया, ये सारिया चीज़ा एक दूजे तो बड़िया वक्खरिया ने, फिर ये खूबसूरत किवें अखवा सकदियां ने? ट्रोबोलस ने कहा, जे ये इस ढंग नाल बनाईया जान कि यह अपने मकसद ते पूरियां उतरन तां मैं उन्हां खूबसूरत समझदा हाँ। सुकरात, शाबाशे, फिर ये दस कि अखां दी की सिफत है? ट्रोबोलस ने कहा, अखां दी ये सिफत है कि इन्हां राहीं असीं वेख सकते हाँ। सुकरात ने कहा, इस हिसाब नाल तां मेरियां अखां तेरियां अखां तो वध खूबसूरत हन, क्योंकि तू सिर्फ सीधा ही वेख सकता है अते मेरियां अखां उभरियां अते वड्डियां होण करके मैं सीधा भी वेख सकता हाँ अते पासियां नूं भी। उसनों चिढ़ाने ट्रोबोलस कहता है, फिर तो केकड़िया दियाँ अखा सब तो वध खूबसूरत हैं क्योंकि वह उतान भी वेख सकदियां हैं। सुकरात कहता है, हाँ ठीक है, तेरी इस गल तो साबित हुंदा है कि केकड़े दियाँ अखा दूर तक वेख सकदियां हैं, पर ट्रोबोलस तू ही तो कहा है कि वह चीज़ बधेरे खूबसूरत है जो अपने कर्तव्य नूं वधिया ढंग नाल निभावे। हुण ट्रोबोलस ने सुकरात नूं पुछया, हुण दसो कि अपने विचों नक किस दी खूबसूरत है? सुकरात ने कहा, जे नक सुंघण लई बनी है तो मेरिया नासा चौड़िया हन ते इन्हां दा रुख आसमान वल है, इस करके मेरिया नासा दूर तक ते हर दिशा वलों सुंघण दी शक्ति रखदियां हन, पर तेरिया नासा दा रुख धरती वल है अते तूं आप ही कहा है कि वह चीज़ सुंदर है जिहड़ी अपना मकसद पूरा करदी है। मेरा फीना नक मेरे वेखण विच रुकावट नहीं, जदों कि तेरा सीधा नक तेरी नज़र विच रुकावट बनिया रहिंदा है। ट्रोबोलस सुकरात की बदसूरती का मखौल उड़ाने लई बोलिया, तेरा मूँह मेरे मुकाबले बहुत बड़ा है, क्योंकि मूँह तो बुरकी पाउण लई बनाया गया है, पर तेरा मूँह बहुत बड़ा होण करके सारी दी सारी रोटी तेरी इक्को बुरकी बन सकती है। इस तो तू कहेगा कि मेरा मूँह क्योंकि इक्को बार सारी रोटी खा सकता है, इसलिए मेरा बड़ा मूँह तेरे छोटे मूँह नालों खूबसूरत है। सुकरात ने कहा कि मेरे मोटे बुल तेरे पतले बुलों नालों वधिया नहीं। ट्रोबोलस बोलिया, बस कर सुकरात, बस कर। सुकरात ने कहा, तेरी ये बेबसी इस गल का खुला सबूत नहीं कि मैं तेरे नालों वध खूबसूरत हाँ। ट्रोबोलस कहन लग्या, मैं तेरे नाल होर बहस नहीं कर सकता, तेरा की है, तू तो मैनू गधे नालों वध बदसूरत सिद्ध कर देवेगा, पर मैं अखीर विच हुण इत्थे हाज़र लोगों की राय लेनी चाहुंदा हाँ। अजिहियां बहसां शहर के बहुत सारे लोगों ने कीतियां, इन्हां विच वपारी अते सैनिक भी शामिल सन। सुकरात ने अपनियां दलीलां नाल इन्हां सारियां नूं मात दे दित्ती। सो दोस्तों, तुहाडी नज़र विच कीहड़ी चीज़ ज़्यादा खूबसूरत है? जो अपना करतब सही तरीके नाल निभाउंदी होवे जां फिर दिखावट विच सुंदर होवे? अपने विचार सानूं कमेंट बॉक्स विच कमेंट करके जरूर दसना। धन्नवाद।